Hi kids, welcome back once again. Hope you all are very very good. And today I'm here and I'm going to start my lesson number 6, organs and organ system. So today I will explain the chapter organs and organ system part 3. Is that okay? So now open page number 49. Today we will talk about reproductive system and how to take care of the body organs and body system. And then important part, summary and glossary. Okay. So what is the meaning of reproductive system? So the reproductive system includes all the organs needed for reproduction. Jaise birds mein bhi reproduction hota hai. आपने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था, वैसे ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. सो नेक्स्ट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. एंड नाउ वी हैव अ प्राइसलेस बॉडी. अगर आपको ये कोई कहे कि मैं आपको 1 लाख 2 लाख इतने देता हूँ एंड यू हैव टू गिव मी 1 eye एंड यू हैव टू गिव मी 1 hand, सो आर यू रेडी फॉर दिस? नहीं ना, बिकॉज वी हैव अ प्राइसलेस बॉडी. हमारे पास ऐसा शरीर है जिसकी कोई प्राइस ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमती है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर बॉडी वेरी नाइसली. हमें बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए. सो हेयर आर सम लिस्ट. कैल्शियम रिच फूड लिस्ट, फाइबर रिच फ्रूट्स, deep breathing or exercise, and then drinking water. So first point is calcium rich food such as milk, cheese and other milk products are necessary for healthy bones and skeletal system. कैल्शियम रिच फूड जिसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है तो वो है मिल्क प्रोडक्ट. ओके, सो हमारा कैल्शियम रिच फूड लिस्ट में सबसे पहले आएगा मिल्क प्रोडक्ट्स. तो मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आएगा मिल्क एंड देन चीज, सीड्स एंड आलमंड्स और बीन्स. इन सब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है. अब मैंने देखा है कई स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी मिल्क ड्रिंक करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको आपका माइंड शार्प होना चाहिए. आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है स्टडी का, तो उससे आपको स्ट्रेस आपको रिमूव होगा, आपके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका माइंड शार्प हो जाएगा. इसलिए स्टूडेंट लाइफ में भी और वैसे भी आपको मिल्क ड्रिंक करना चाहिए. मिल्क ड्रिंक करते हैं तो आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी, फिट रहोगे आप सब. एंड नेक्स्ट इज आपकी स्केलेटल सिस्टम के लिए भी, आपकी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा वर्क करता है. और आप कैल्शियम के टैबलेट्स भी मिलती है, बट आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप जो भी ईट करें वो आपका विदाउट मेडिसिन हो. आप विद मेडिसिन में ना जाकर आप जो नेचुरल थिंग्स हैं कैल्शियम रिच फूड, आप उसको ईट करें. नेक्स्ट इज कीपिंग द राइट पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, बैंडिंग प्रिवेंट्स डैमेज टू द बोन्स एंड स्केलेटन सिस्टम. अगर आप ढंग से बैठते हैं, खड़े होते हैं, बेंड होते हैं, तो आपको राइट पोस्चर में ये सब करना चाहिए. लेकिन उससे क्या होगा, आपकी बोन्स डैमेज होने से बच जाएंगी और आपका स्केलेटन सिस्टम भी ठीक रहेगा. कई बार ऐसा होता है ना, आपने बहुत तेज रन करा, आप स्लिप हो गए, तो उससे क्या होता है, आपकी बोन्स हार्म हो जाती हैं. कई बार क्या होता है, स्ट्रेन पड़ जाता है, कई बार आपका बोन लेग उसमें फ्रैक्चर आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप सबके साथ हो सकती है. कई बार हम ऐसा करते हैं, हम लोग स्टेयर्स पे जल्दी जल्दी हम नीचे जा रहे हैं, स्टेयर से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो एकदम से हमारा पैर स्लिप हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल. तो आपको थोड़ा सा उसका टेक केयर करना चाहिए. देन
नंबर थ्री इज फाइबर रिच फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। अगर आप डेली बेसिस पर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करते हैं तो आपको बहुत सारा फाइबर मिलने वाला है, और फाइबर रिच फ्रूट्स आपको ईट करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फाइन रहेगा, ओके रहेगा। तो आपको वैसे रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ईट करने चाहिए, वैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी ईट करनी चाहिए, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज, आपने सुना ही होगा, ड्रिंकिंग 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे इज गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, मान लीजिए आप कुछ भी खा लेते हैं, आपको हैवी फील होता है, आपका डाइजेस्ट नहीं आ रहा, आपको वॉमिटिंग आने वाली होती है ना, तो उसमें आप क्या वर्क करोगे, आपको डेली 8 glasses ऑफ वाटर आपको ड्रिंक करना है। तो जैसे ही आप 8 glasses ऑफ वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दोगे तो जितना भी आपका बॉडी में वेस्टेज है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फाइन और परफेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड गिव अस अ हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक, फिर अगेन ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, तो उससे क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और बैड जो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उसको आप बाहर निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो लंग फंक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लंग्स बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वर्क आपको आज से ही स्टार्ट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ योर मम्मा और किसी एल्डर से आपको थोड़ा सा कंसर्न लेना है। नाउ नेक्स्ट इज, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। रिमेंबर, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। अच्छा, आर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी कैसी है, एक मशीन की तरह है। हम रन करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम जंप करते हैं, और हम अपने घर के भी कितने सारे वर्क करते हैं। आप स्कूल भी आते हो, आपको स्टडी भी करनी है, तो ये सब हम वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। अब फिजिकल एक्टिविटी जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। अगर आपके घर पे कोई भी मशीन है, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है या आपके घर में वॉशिंग मशीन है, अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे, आप उसको यूज़ नहीं करोगे 1 year 2 year 3 year 4 year, तो वो क्या होगा, वो जाम हो जाएगी। कोई भी ऐसी मशीन है जो आयरन से बनी हुई है, या आयरन से तो मोस्टली सभी बनती है, बट अगर हम उसको एक जगह रख देंगे, हम उसका कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जाम हो जाएगी, वो वर्क करना बंद कर देगी। तो वैसे ही आपका बॉडी सिस्टम है, आपकी बॉडी है, अगर आप एक जगह बैठे रहोगे, आप कहोगे मुझे तो हिलना ही नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, आप लेज़ी हो जाओगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे। तो अभी तो आप किड्स हो, अगर आपको एक्टिव रहना है तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी लाइक, आपको प्ले करना है, जंप करना है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल में भी करते थे। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, रन वॉक, तो उससे क्या होगा, आप उतने ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आप लेज़ी बन जाओगे। तो अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेज़ी बनना है या एक्टिव। अगर आपको एक्टिव बनना है तो आपको आज से ही अपनी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक प्ले, और बट आपको स्टडी भी करनी है। नाउ नेक्स्ट इज, सो नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर फॉर गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। Now next is summary. So our body is made up of a large number of cells, जैसे मैम ने आपको explain किया था।
Number 2 is similar type of cells form a tissue. Different type of tissue join to form body parts or organs. A set of organs working together form as organ system. ये मैम ने आपको पहले explain कर दी है. Skeletal system, digestive system, circulatory system, respiratory system and reproductive system are some major organ system of the body. अगर ये सारे system work नहीं करेंगे then आपकी बॉडी यूजलेस हो जाएगी, कुछ यूज ही नहीं होगा. तो ये सारे जब पार्ट्स होते हैं ये अपना वर्क करते हैं तो तभी हम एक्टिव रहते हैं, हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो कैर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या वर्क है? कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टू हेल्प कैरी न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system helps the body break down and digest the food we eat so that we get energy. हमें energy मिलेगी तो तभी हम अपना work कर पाएंगे. Number 3 is excretory system. Excretory system, it means excretory system helps the body get rid of all the waste that get formed inside our body. Next is organ system. A set of organs working together. यानी कि जो जितने भी organs हैं उनका एक set होता है जो एक साथ work करते हैं. So it's called organ system. Reproductive system, जैसे मैम ने आपको बताया birds में भी होता है, animals में भी होता है. Respiratory system helps the body use the air we breathe and then we breathe out. Next is skeletal system. Skeletal system gives shape to the body and supports it. Now, the explanation of this chapter is finished. Now, what we have to do? We have to do work, book work and question answer, but we have to do this work and we will do this work in my next week class. So, till then, you have to wait. Take care. Goodbye, everyone.